हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको अनिश्चित समाकल के बारे में आपको हम बताएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 का एक तक करवाया था, उसके बाद आज हम इस वीडियो में हम 11 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कराएंगे। और एक बात और, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वह वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन 11 का यह 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। दिया गया है कि इंटरगेशन ऑफ रूट अंडर साइन 2x इंटू कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम यह इसमें देखेंगे कि कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम साइन 2x को अगर हम पुट करते हैं तो इस फलन में इसका डिफरेंशिएशन साइन 2x का डिफरेंशिएट दिया गया है, यहां पर cos 2x दिया गया है। तो मानते हैं, माना कि साइन 2x बराबर t मान लेंगे और x के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन 2x का होता है cos 2x और 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है बराबर dt / dx। ये dx जो है डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि cos 2x इंटू dx बराबर dt / 2। तो हमने देखा कि cos 2x इंटू dx बराबर dt / 2 आ गया। इसे पुट करते हैं, यानी रूट अंडर sin 2x बराबर t माने थे और इंटू cos 2x बराबर यहां पर दिया गया dt / 2। अब 1/2 इंटरगेशन के बाहर रखेंगे, अब रूट अंडर t बचा इंटू dt। रूट का वैल्यू पता ही आपको है 1/2 होता है, यानी हम इसमें इंटरगेशन करें तो 1/2 और रूट का वैल्यू 1/2 होता है। तो टी का पावर 1/2, जितना पावर में रहता है उतना पावर में जोड़ते हैं, जितना रहता है ये पावर में जितनी संख्या रहती है उतनी संख्या नीचे लिखते हैं। तो लिख दिया यहाँ पर कॉन्स्टेंसी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 टी का पावर 3/2 बटा में 3/2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंसी हो जाएगा। अब उसके बाद यह हो जाएगा, यानी पलटेंगे इसको 1/2 इंटू 2/3 और टी का वैल्यू यहां पर दिया गया है साइन 2x का पावर 3/2 और कॉन्स्टेंसी 2-2 से कट जाएगा, बचेगा 1/3 साइन 2x का पावर 3/2 कॉन्स्टेंसी। यह हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कि a प्लस बी कॉस एक्स इंटू ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर एन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स कॉमा एन इक्वल टू नॉट माइनस वन। एन जो होगा वो माइनस के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम इंटरगेशन लिखते हैं, ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर एन इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा आपका। तो हमने बताया अभी
अभी हमने बताया कि सबसे पहले यह देखना है कि दिए गए फलन में कौन सा टर्म्स को हम पुट करेंगे कि उसका डिफरेंशिएट इस फलन में दिया गया है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए जो है कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, बी कॉस एक्स का आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो पुट करते हैं, माना कि ए प्लस बी कॉस एक्स, माना कि ए प्लस बी कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे, और एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यह जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई बी, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि अब माइनस है। तो देख रहे हैं कि साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी आ गया। तो पुट करते हैं, ए प्लस बी कॉस एक्स बराबर क्या मान थे, टी मान, टी के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी बाई बी, कमन ले लेंगे माइनस वन बाई बी इंटरग्रेशन के बाहर ले लेंगे, और टी के पावर एन इंटू डी टी हो जाएगा। अब इसका इंटरग्रेशन करेंगे तो माइनस वन बाई बी हो जाएगा, और टी का पावर जो होगा एन, और क्या होगा जितनी पावर होती है उसमें क्या होता है वन हो जाता है, उसके बाद जितना पावर रहता है उतना नीचे भी लिखा जाता है, अब कॉन्स्टेंट सी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन बाई बी। टी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन, अब कॉन्स्टेंट सी, यह होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपको, इंटरग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू में है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ये दिया गया, जो इंटरग्रेशन जो दिया गया है वहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर एस स्क्वायर प्लस 3x को अगर हम पुट करते हैं तो 2x प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है और 3x का डिफरेंशिएट 3 होता है, तो आ जाएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो पुट करते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर टी और x के सापेक्ष अवकलज करने पर, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x हो जाता है, अब प्लस क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा बराबर dt बाई dx हो जाएगा। क्यों होगा ये 2x, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर ये डिफरेंशिएट निकालेंगे तो हमको पता है कि पावर में जितना रहता है उतना नीचे उतरता है, नीचे 2 उतर जाएगा, पावर 2 है तो 2 उतर जाएगा, और पावर में से x 1 घटेगा, पावर में से क्या होगा 1 घटेगा, ये आपका आ गया डिफरेंशिएट 2 यानी x हो जाएगा, आपका आ गया क्या 2 में से घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 बचेगा, यहाँ पावर नहीं है। तो हम ये देखें उसके बाद यह जो 2x प्लस 3 है ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, यहाँ पर अपलोड करते हैं 2x प्लस 3 बराबर क्या है डी टी है रूट अंडर एस स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एस स्क्वायर प्लस 3x बराबर क्या है टी है, तो रखते हैं यानी रूट अंडर टी इतना बराबर डी टी हो जाएगा, और रूट का वैल्यू पता ही है कितना होता है 1/2 होता है, और ये हो जाएगा इंटरग्रेशन करेंगे
तो टी का पावर वन बाई टू पावर में वन जोड़ देंगे, इतना ऊपर है तो नीचे लिख देंगे वन बाई टू और प्लस वन। अब कॉन्स्टेंसी आपका निकल कर चला आएगा, टी का वैल्यू वहाँ पर दिया गया एस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का पावर दो एकम दो एक तीन, तीन बटा दो बराबर बटा सॉरी बटा तीन बाई दो और कॉन्स्टेंसी। अब इसको हम प्लट देंगे, यानी इसको हम प्लट देंगे तो हो जाएगा दो बटा थ्री इंटू एस स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का पावर थ्री बाई टू, ये हुआ कॉन्स्टेंसी, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।